3t minus 2 over 4 minus 2t plus 3 over 3 is equal to 2 by 3 minus t. So this is the answer. LCM of 4, 3 and 3 is equal to 12 LCM. So multiply the whole equation with 12. 12 into 3t minus 2 divided by 4 minus 12 into 2t plus 3 over 3 into 12 into 2 by 3 minus 12 into t. मैंने क्या किया, तमाम ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया विद दिस. 4 3s आर, सो 3 इंटू 3t माइनस 2 माइनस 3 4s आर, 4 इंटू 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 3 4s आर, 2 4s आर 8 माइनस 12t. यहां से आपने गौर से करना है, 3 3s आर 90, 3 2s आर माइनस 6. हेयर दिस इज माइनस दिस इज प्लस, सो यहां पे आ जाएगा माइनस 2 4s आर 8 t. यहां पे देखिए माइनस और ये प्लस, फिर माइनस आएगा 12, 4 3s आर 12, यहां पे आ जाएगा 8 माइनस 12 t. क्लियर? नाउ सिंपलीफाई करते हैं, 90 माइनस 8 t इज इक्वल टू t. हेयर माइनस 9 माइनस 8 6 इज इक्वल टू माइनस 18. दिस इज द सिचुएशन. नाउ शिफ्ट दिस 12 हेयर, t प्लस 12 t 8 एंड प्लस 18. इसको शिफ्ट किया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, तो यहां पे आ जाएगा 13 t दैट इज इक्वल टू 26. नाउ डिवाइड बाय 13 बिकॉज हमें t का आंसर निकालना है. 13 13 कैंसिल, t इज इक्वल टू 13 2s आर 26. सो दिस इज द आंसर.